सर्दियों के लिए बनाते हैं स्पेशल बाजरे के लड्डू, और बाजरे के लड्डू बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो चलिए झटपट से रेसिपी शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है और इसमें 1 टेबल स्पून जितना घी डाला है। घी गरम हो जाने देंगे। तो घी तो गरम हो गया है, मैं इसमें डाल रही हूँ लगभग 1/4 कप जितना बादाम। तो क्वांटिटी जो ड्राई फ्रूट्स की अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। काजू डाल दिए हैं 1/4 कप। 1/4 कप मखाना है। ड्राई फ्रूट्स आप अपने हिसाब से कुछ और भी डाल सकते हैं। तो इनको हम सौते करेंगे तो हल्का सा कलर चेंज होने तक और क्रंचीनेस इसमें जब तक आ जाए ना, तब तक हमें इसे सौते करना है। तो लो मीडियम फ्लेम पर इसको मैंने सौते कर लिया है। ये देख सकते हैं कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो इसको हम अलग निकाल लेंगे और ठंडा करेंगे। और उसी पैन में मैंने ये खसखस ले लिया है 1 टेबल स्पून जितना। इसे भी हमें सौते करना है। तो लो फ्लेम पर हम इसको भी थोड़ा सा सौते कर लेते हैं। तो मैंने इसको बस लगभग 1 मिनट सौते किया है और उसके बाद इसमें डाल दिया है 1/4 कप जितना डेजिकेटेड कोकोनट। तो डेजिकेटेड कोकोनट की जगह आप ग्रेटेड वाला भी ले सकते हैं, या फिर जो गरी का नॉर्मल गोला आता है उसको भी स्लाइस करके आप डाल सकते हैं। क्योंकि इन सभी चीज़ों को हमें पीसना है, इसलिए जो भी आपके पास हो वो आप ले सकते हैं। और इसको मैंने 1-1.5 मिनट तक सौते किया है लगभग, और ये हो गया है। तो मैं इसको भी अलग निकाल लेती हूँ और ठंडा होने के लिए रख दूंगी। तो ये सभी चीज़ों को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। फिर हम इसको पीस लेंगे। पैन मैंने वही वापस यूज़ किया है और इसमें हम डालेंगे 1/2 कप जितना घी। तो ध्यान रहे मैं इसमें जो घी ले रही हूँ मेल्टेड नहीं ले रही हूँ। तो जब आप मेल्ट करते हो तो क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो जाती है, इसलिए थिक घी आप लें 1/2 कप। और इसमें हम डालेंगे 1 कप बाजरे का आटा। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे और जो भी गुठलियाँ रहती हैं उसको भी हम हटाते रहेंगे बीच बीच में। तो प्रेस करते हुए स्पैचुला से गुठलियाँ भी हटाते रहेंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लो फ्लेम पर हमें इसे अच्छे से भूनना है। अगर हाई करेंगे तो जो आटा है वो जलने लग जाएगा और फिर वो उसका टेस्ट एकदम ख़राब हो जाएगा, भुनेगा भी नहीं। तो फ्लेम को लो रखते हुए इसे हम 10-15 मिनट तक भून लेंगे और अच्छी सी खुशबू आने लग गई है। अभी आप देख सकते हैं ये अच्छे से भुन गया है और जो पैन है वो भी छोड़ने लग गया है। तो थोड़ा सा और भूनेंगे और इसके बाद ये देखिए ऐसा गीला हो जाता है थोड़ा सा, बट इसको हम छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। और ये जो ड्राई फ्रूट्स थे उनको हम दरदरा सा पीस लेंगे और एक साइड रख देते हैं। और ये मेरे पास 1 कप जितना गुड़ है इनको बारीक कर लिया है, जैसे हमें पीसना है तो 1 बॉल साइज जितना गुड़ था उसको बारीक कर लिया। और इसको हम पाउडर बना लेंगे। और ये जो मिक्सचर है ये ठंडा हो गया है और अब हम इसमें डालेंगे जो ड्राई फ्रूट्स हमने पीस के रखे थे। अभी ये मिक्सचर गीला है पर जब सब चीज़ें डाल देंगे तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा। और स्वाद के लिए इलायची का पाउडर है थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ, लगभग 1/2 चम्मच। ऑप्शनल है, आपको नहीं डालना है तो स्किप कर सकते हैं। और ये चीज़ें हम मिक्स कर लेते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है ये लड्डू बनाने का। कोई हमें गुड़ को पिघलाना नहीं है, चीनी पिघलाना नहीं है। तो बस डायरेक्टली ही हम इसमें गुड़ डालेंगे, इसलिए थोड़ा सा घी इसमें ज़्यादा भी लगता है। तो घी अगर आपको कभी लगता है कम हो रहा है तो आप थोड़ा सा घी बाद में भी ऐड कर सकते हैं गरम करके, या फिर मिक्सचर थोड़ा सा ज़्यादा गीला हो गया यानी घी ज़्यादा पड़ गया है तो आप थोड़ा सा अलग से बाजरे का आटा भून लें और इसमें आप मिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका लड्डू अच्छा बनेगा। तो ये जो गुड़ का पाउडर मैंने बनाया था वो मैं इसमें डाल देती हूँ। तो मीठा आप अपने अनुसार कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, पर इतना ये परफेक्ट होता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। ना बहुत ज़्यादा मीठा होगा ना बहुत कम लगेगा, एकदम परफेक्ट आएगा इसमें मीठा। और गुड़ बहुत हेल्दी भी होता है तो गुड़ का यूज़ तो इसमें ज़रूर करें, चीनी आप बिल्कुल ना डालें। गुड़ का टेस्ट भी अच्छा आता है और हेल्दी भी रहेगा। तो ये चीज़ें हम सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो सबको तो मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है, बिल्कुल रगड़ रगड़ के मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसके लड्डू बनाएंगे। तो हाथों में थोड़ा थोड़ा सा बॉल साइज कर लेके हम इसको ऐसे घुमाते हुए लड्डू बनाएंगे। बहुत ही आसानी से लड्डू बन जाएंगे, घी अच्छा पड़ा है। अगर अभी आपके लड्डू नहीं बन रहे हैं तो इसमें आप घी गरम करके ऊपर से डाल के फिर से मिक्स कर लें और जल्दी जल्दी इन लड्डुओं को बांधें जिससे कि इनकी गर्माहट बनी रहे। क्योंकि ठंडे हो जाएंगे तो घी भी
वो ठंडा होने लगता है तो फिर अच्छे से बाइंडिंग नहीं आती है। इस तरह मैंने सारे लड्डू जल्दी से बना लिए हैं और ये तैयार हैं, इनको हम प्लेट कर लेते हैं। तो देखिए कितने सुंदर लड्डू बने हैं और टेस्टी हेल्दी लड्डू तो बनकर तैयार हैं, आप भी एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें जिससे मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ, बाय बाय।